लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही देश भर में चुनाव का शोर है, तो पिछली बार की तरह इस बार भी 7 फेज में वोटिंग की जाएगी, जिस पर बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से। इस बार 19 अप्रैल को पहले फेज की वोटिंग होगी, जबकि 7 चरण की वोटिंग के बाद 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे और इस दौरान यूपी, बिहार और बंगाल में सबसे ज्यादा 7 चरणों में वोटिंग की जाएगी। पहले चरण की वोटिंग से लेकर काउंटिंग तक 46 दिनों की लंबी प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए हैं। ২০২৪ की जंग के 7 चरण, विपक्ष को क्यों टेंशन? 7 फेज में लोकसभा चुनाव, वोटिंग में देरी से किस किस को तनाव? लंबे चुनाव और ईवीएम पर सवाल, 2024 में भी 2019 वाला हाल। दुनिया के सबसे बड़े चुनाव के ऐलान के साथ ही सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। विपक्ष इस बार भी वही सवाल उठा रहा है जो आज से 5 साल पहले या उससे पहले उठाया करता था, क्योंकि इस चुनाव की तारीखें भले ही अलग हों, लेकिन वोटिंग 7 चरणों में ही हो रही है। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी, जबकि दूसरा चरण 26 अप्रैल, तीसरा 7 मई, चौथा 13 मई, पांचवा फेज 20 मई, छठवां फेज 25 मई और सातवें चरण का मतदान 1 जून को होगा। देश भर में इलेक्शन की प्रक्रिया 40 दिनों तक चलेगी, जबकि 4 जून को नतीजे के साथ ही नई सरकार का ऐलान हो जाएगा। 19 अप्रैल को यहां वोटिंग होगी और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी। जो सिंगल फेज सिंगल पोल डेट है वो 22 स्टेट में होगी, 2 राज्य 4 बार में जाएंगे, कर्नाटका, राजस्थान, त्रिपुरा, मणिपुर। 3 फेज में 2 जाएंगे, छत्तीसगढ़ एंड असम। 4 फेज में 3 जाएंगे, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड। 5 फेज में 2 जाएंगे, महाराष्ट्र एंड जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 1 फेज होगी और 7 फेज में 3 जाएंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। इस बार के चुनाव में राजधानी दिल्ली समेत कुल 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक ही फेज में मतदान होगा। कर्नाटक, राजस्थान, त्रिपुरा और मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव होंगे। छत्तीसगढ़ और असम में 3 चरणों में चुनाव होंगे।